दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी अपने बाइक से परेशान हैं, आपका बाइक माइलेज नहीं दे रहा है, तो गाइस मैंने इसको किस तरीके से माइलेज सेटिंग किया तो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं सारा खेल कहाँ से होता है। तो गाइस इसका सारा खेल कार्बोरेटर से होता है। जो जितने भी पुराने बाइक थे उसमें कार्बोरेटर आते थे, यहाँ पर ला पेमरो। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये कार्बोरेटर है बाइक का। ये आपको स्कूटी में भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एगो स्क्रू ड्राइवर, यहाँ पे इसको मिलाने का होता है। यहाँ पे जो आपको टंकी से जो पेट्रोल होता है यहाँ से होते हुए इंजन में जाती है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप सेटिंग अच्छा नहीं रहेगा तो आपका माइलेज सही से नहीं देगा। तो गाइस इसी को मिलाना है। इसको आप जब मिलाइएगा तो बाइक या आपका जो रेस होगा कम होगा या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो उसको रेस मिलाने के लिए इधर आपको दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ भी एक साइड इधर आपको स्प्रिंग के साथ एक होगा, इसको मिलाना है। तो इसका ट्यूनिंग का है। तो गाइस इसी से आपको पता करना है, एक दूरी तय करना है। और यहाँ पे आप स्क्रू को जब मिलाइएगा, इसको मिलाने के बाद आपको चला के देखना है और तेल को बंद कर लेना है। जहाँ पे ऑन ऑफ का रहता है, फ्यूल ऑन ऑफ का, वहाँ पे आप ऑफ करके देखिएगा कि आपको सेटिंग करने के बाद कितना दूर जाता है। अगर उससे कम जा रहा है तो एक बार फिर से आप उसको मिलाइए और फिर से तेल को ऑन कीजिए थोड़ा देर, 5 मिनट, और फिर से तेल को ऑफ कर दीजिए। अब फिर थोड़ा सा मिला के उसको फिर चलाइए, देखिए उससे ज़्यादा जा रहा है या फिर कम जा रहा है। अगर ज़्यादा जा रहा है तो समझिए कि उसी ओर आपका जो स्क्रू ड्राइवर है उसी ओर घुमाना है। तो ज़्यादा आपको लालच नहीं करना है। अगर आपको लगेगा कि दुगना, मतलब उससे दुगुना माइलेज दिया है, तो समझिए कि वहीं आपको फिक्स कर देना है। हाँ, तो गाइस उसी तरह से मिलाना है। जहाँ तक आपको लगेगा कि माइलेज जो है आपको दुगुना दे रहा है तो वहीं पे फिक्स कर देना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किस बाइक का माइलेज आपको मिलाना है, उसी बाइक का मैं माइलेज सेटिंग करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।